सो गाइस यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आज कौन से डिवाइसों के लिए इंडिया में न्यू अपडेट्स देखने के लिए मिले। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कौन सी न्यूज निकल के आई है MIUI 12.5 अपडेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड्रॉइड 11 अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या न्यूज है सब कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग के पास कोई भी रेडमी शाओमी का डिवाइस है, पोको का डिवाइस है, तो बिना स्किप की वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रख लेना। तो गाइज यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज कुछ सिस्टम अपडेट्स देखने के लिए मिले। जी हाँ गाइज, यहाँ पर MI होम जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका अपडेट आ चुका है, लेटेस्ट बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर पोको लॉन्चर का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला है, लेटेस्ट बिल्ड नंबर है, न्यू बेटा पोको लॉन्चर अपडेट है और यहाँ पर न्यू बिल्ड नंबर के साथ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर फिक्स क्या किया गया, वी फिक्स सम बग्स इन द वर्जन, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव द फ्लुएंसी, ये चेंजेस आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पोको लॉन्चर अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो APK मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर साउंड रिकॉर्डर का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाता है लेटेस्ट बिल्ड नंबर के साथ, स्कैनर का न्यू अपडेट मिल जाता है, इसके अलावा कैलेंडर का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, मैसेजिंग ऐप का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। आप लोगों को बता दूँ ये अपडेट उसी में वर्क करेगा जिसके डिवाइस में गूगल डायलर देखने के लिए नहीं मिलता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर जो MIUI का डायलर देखने को मिलता है उसमें ये वर्क करेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी वगैरह का भी एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल चुका है, लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट बिल्ड नंबर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐड बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड इन बैटरी सेवर लेआउट, यहाँ पर ये चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस टाइप का आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा सिक्योरिटी में, तो आप लोग इसको अपडेट कर सकते हो अपने सिक्योरिटी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर इसकी जो APK मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन गाइस यहाँ पर डायलर कॉन्टैक्ट का भी एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल चुका है। तो यहाँ पर ये सभी अपडेट्स मैं आपको जिसकी APK अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, सभी की APK मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये टेलीग्राम का चैनल, अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना फ्यूचर में सभी अपडेट्स के लिंक वगैरह पाने के लिए। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर अपडेट्स आज कौन से डिवाइस को देखने के लिए मिले। सबसे पहले गाइस रेडमी 8, जी हाँ गाइस यहाँ पर इंडिया में रेडमी 8 के लिए न्यू अपडेट देखने के लिए मिला। जैसे कि आप लोग देख सकते हो MIUI 12.0.3.0 का एक बिल्ड नंबर है, यहाँ पर 725 MB की साइज देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि ये अपडेट रेडमी 8 सीरीज़ में पहले भी देखने के लिए मिल चुका था 2 वीक पहले, लेकिन जिनको नहीं मिला था, काफ़ी सारे यूज़र थे जिनको अपडेट अभी तक नहीं मिला था, तो उनके लिए आज इसको रोल आउट किया गया था। यहाँ पर जैसे अपडेट आया मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। वैसे आप लोग को बता दूँ इस अपडेट की लिंक्स वगैरह मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर पहले ही प्रोवाइड करा दी, अगर अभी भी अपडेट आप लोगों को नहीं मिला मैनुअली जाके अपडेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो और वेट कर सकते हो। यहाँ पर अपडेट लॉक की बात करूँ छोटे मोटे चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं मिलता है। वैसे इसका रिव्यू का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया था, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देख लेना। इसके अलावा गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास पोको M2 का डिवाइस है और आप लोगों को पता होगा पोको M2 में भी कल एक न्यू अपडेट प्रोवाइड किया गया था, पोको M2 में MIUI 12.0.4.0 का। यहाँ पर इस अपडेट में क्या क्या नया देखने के लिए मिलता है और ये अपडेट बाकी यूजर को कब तक मिल जाएगा उस पर भी मैंने आज ही वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो एक बार वीडियो जाकर जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने उसका छोटा सा रिव्यू भी कर दिया और यहाँ पर आप लोग कैसे उसको अभी मैनुअली तरीके से अपडेट कर सकते हो इस लिंक के जरिए, कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो कैसे मैनुअली तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो वो भी मैंने वहां पर बताया, तो एक बार आप लोग जरूर वो वीडियो जाकर देख लेना अगर आप लोग पोको M2 का डिवाइस यूज करते हो तो। इसके अलावा गाइस यहां पर आज और कौन से डिवाइस को अपडेट्स देखने के लिए मिले, जैसे आप लोग देख सकते हो रेडमी नोट 8 प्रो के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट किया गया, MIUI 12.0.6.0 का अपडेट है, यहां पर एंड्रॉइड 10 ही मिलता है और ये यूरोप साइड में रिलीज किया गया। इंडिया में ये अपडेट कब आएगा देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा आप लोग। लास्ट मंथ में ही रेडमी नोट 8 प्रो में एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला था, अभी फिलहाल के लिए कोई न्यू अपडेट देखने के लिए नहीं मिला इस मंथ में, अब वेट करना पड़ेगा, जैसे अपडेट आए को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा MI 10 के लिए यूरोप में एक न्यू अपडेट देखने मिला है, MIUI 12.5.1.0 का है, MIUI 12.5 के फीचर्स के साथ है। इसके अलावा Redmi Note 7 Pro, जी हाँ गाइस यहाँ पर काफी दिनों से कोई भी न्यू अपडेट देखने के लिए नहीं मिला इंडिया में काफी जोर वेट कर रहे Redmi Note 7 सीरीज में न्यू अपडेट कब रोल आउट होगा, अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है, 2 से 3 मंथ हो चुके कोई भी न्यू अपडेट नहीं मिला। लेकिन आज चाइना में भी काफी लंबे समय बाद एक न्यू अपडेट रोल आउट किया गया Redmi Note 7 Pro में, जिसका बिल्ड नंबर है MIUI 12.0.3.0। और यहाँ पर अगर आप लोग अपडेट लॉक की बात करो
तो देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट सितंबर 2020 का देखने के लिए मिलता है। काफ़ी ज़्यादा पुराना सिक्योरिटी पैच अपडेट है, वो अपडेट अब जाके Redmi Note 7 Pro में देखने के लिए मिला। लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि Redmi Note 7 सीरीज़ में इंडिया में कोई न्यू अपडेट आने में कितना ज़्यादा समय लग सकता है। तो जितने भी यूज़र Redmi Note 7 सीरीज़ के अगर आप लोग इंडियन वेरियंट यूज़ करते हो तो आप लोग के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग वेट ही कर सकते हो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगा, आप लोग को जुलाई के मंथ का वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पर Redmi Note 10S के लिए ग्लोबल में MIUI 12.5 का अपडेट रोल आउट किया गया है। यहाँ पर Redmi Note 10S में इंडिया में ऑलरेडी पहले से देखने को मिलता है, ग्लोबल में भी अपडेट रोल आउट कर दिया गया है लेटेस्ट मई के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। इसके अलावा Redmi Note 10 5G का अपडेट उसमें भी ताइवान में रिलीज कर दिया गया। Redmi Note 8 की बात करूँ तो इंडिया में तो कोई भी न्यू अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन Redmi Note 8 का जो न्यू वर्जन है 2021 का, उसमें MIUI 12.5 अपडेट आ चुका है, सभी यूज़र को भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर Redmi Note 8 की बात करूँ तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया में कोई भी न्यू अपडेट नहीं आया, जुलाई के मंथ का वेट करो, डेफिनेटली एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर गाइज कुछ इतने ही डिवाइस को आज अपडेट्स देखने के लिए मिले और कुछ सिस्टम अपडेट्स देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर और कोई ज़्यादा न्यूज़ निकल के नहीं आई है MIUI 12.5 की अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में देखते हैं आने वाले समय में काफ़ी जल्दी काफ़ी सारे डिवाइस को अपडेट मिलने की चांसेस है। यहाँ पर जुलाई के मंथ में कुछ ऐसे डिवाइस होंगे जिनके लिए MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जिनको अभी तक एंड्रॉइड 11 अपडेट नहीं मिला उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा वेट करो, डेफिनेटली आप लोगों को आने वाले कुछ वीक्स में अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ गाइस यहाँ पर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसको ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लेना फ्यूचर में सभी अपडेट्स की लिंक वगैरह पाने के लिए। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब प्रेस कर दो फटाफट से, फ्री में होता है। इस वीडियो में इतना, मिलते अगले वीडियो में।